का जो ऑडियो लेक्चर है वो क्लास 11 मैथमेटिक्स का है, वो सेट चैप्टर का है। ये लास्ट टॉपिक आपका जो बचा हुआ है वो है कॉम्प्लीमेंट सेट। ये कॉम्प्लीमेंट सेट को अगर डिस्कस करना चाहें तो अपने को गिवन रहेगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट को अगर राइट करना है तो कॉम्प्लीमेंट सेट का जो सिंबल होता है ए, कोई भी सेट सपोज दैट ए है तो इसके पावर पे आप सी राइट करेंगे, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। अदरवाइज इसको आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, इसको ए डैश से राइट करेंगे, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। सो सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला पहले राइट कर लेते हैं। फॉर्मूले में अगर आप इसको राइट करना चाहेंगे तो फॉर्मूला इसका होता है A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल्स टू U माइनस A। यहाँ पर U जो है वो यूनिवर्सल सेट है और A जो है आपको गिवन सेट रहेगा। सो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर राइट करता हूँ, मैंने राइट किया U इक्वल्स टू U इज द सेट यूनिवर्सल सेट एंड दीज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे इसके एलिमेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट आपको एक अनदर सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स आपको गिवन है 2 4 6 8 एंड 10, ऐसा आपको सेट गिवन है। सो आपको यहां से फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को राइट करेंगे, फॉर्मूला आप राइट करेंगे यू माइनस ए। इसका मतलब है कि यू की जो वैल्यू है आप उसको पहले जितने भी एलिमेंट्स है उसको राइट करें, 1 to कहां तक राइट करना है 10 तक, 1 to 10। सो यहां पर मैंने राइट किया 1 to 10 एंड सब्ट्रैक्ट कितना करना है सेट ए को। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है आपको 2 4 6 8 10, ऐसे आपको एलिमेंट्स हैं। सो यहां से आपको करना क्या है, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको आप रिमूव कर देंगे और जो बचेगा वही अपना क्या होगा आंसर। सो यहां पर 2 4 6 8 10 आपको क्या करना है रिमूव करना, क्योंकि यहां पर भी 2 4 6 8 10 मिलेंगे। सो जो आपको एलिमेंट्स बच जाएंगे यहाँ पर वो होंगे 1 3 5 7 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। सो इस तरीके से आप किसी भी सेट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट आप राइट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल सा लॉजिक की किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना। बट सपोज दैट यहाँ पर आपको मोर देन वन सेट गिवन हो और उसको कॉम्प्लीमेंट राइट करना हो तो फिर आप कैसे करेंगे। तो मोर देन वन सेट के लिए आपको करना क्या है, सपोज दैट यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है यूनिवर्सल सेट यू जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एम एच, ऐसे आपको एलिमेंट्स गिवन है। यहाँ पर सेट ए है और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी हैं एंड अनदर सेट इज गिवन बी विच एलिमेंट्स आर सी एंड डी। अब आपको यहाँ से बोलता है कि ए यूनियन बी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट आप राइट करो। ए यूनियन बी आपको राइट करना आता है, पहले से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब इसका भी ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट राइट करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का आपको क्या राइट करना है, कॉम्प्लीमेंट राइट करना है। सो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पर ए यूनियन बी पर जो भी ऑपरेशन है उसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, तो डायरेक्टली मैं कॉम्प्लीमेंट को राइट करूंगा। सो यहाँ पर ए यूनियन बी इसका मतलब है यहाँ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कंबाइन करके एक साथ राइट करेंगे तो वो अपना यूनियन होता है। सो आई एम हियर राइटिंग दैट मींस ए बी सी डी, ये किसके हुए, ए यूनियन बी के हुए। अभी यूनिवर्सल कितना है ए बी सी और ये कहाँ तक है एच तक, तो मैं राइट कर रहा हूँ फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये हो गया आपकी यूनिवर्सल सेट के। इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी का मतलब ए बी सी डी। सो यहाँ पर मैंने राइट किया ए बी सी डी ऐसा। अब आपको यहाँ पर जो कॉमन मिलेंगे उसको आप रिमूव करो, तो ए बी सी डी ये जितना है वो टोटल यहाँ से कॉमन मिल रहा है, इसको आप क्या करेंगे रिमूव करेंगे। सो इतने जो एलिमेंट्स हैं आपको रिमूव करने के बाद बचेगा कौन, ई एफ जी एच, यही आपका क्या होगा आंसर। सो यहाँ से जो आपको आंसर मिला ई एफ जी एच ये आंसर हो गया। बट यहाँ से इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन का अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को फर्स्ट आपको राइट करना है, तो यूनिवर्सल सेट वही है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। सब्ट्रैक्ट कितना करना है ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ए एंड बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे 5 राइट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर फाइव आपने राइट किया, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होगा वही अपना क्या होगा आंसर। सो ए बी सी डी ई एफ जी एम एच क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया। सो इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अनदर क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना है इस कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए, उसी को एक बेसिक स्ट्रक्चर या डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सपोज दैट यहाँ पर ए डैश, इसका मतलब है कोई सेट ए है जिसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको आपको वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, सेकेंड जो है वो किसके लिए हम लोग राइट कर रहे हैं, सेकेंड ए यूनियन बी के लिए राइट कर रहे हैं, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट राइट करना है। थर्ड जो है वो आपको राइट करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, थर्ड हो गया ये। फोर्थ जो है आपको राइट करना है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट जो है इन सभी सेट्स के वो आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्या है ए डैश। ए डैश के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आप यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के किसी भी कॉर्नर पर आप यू को साइन डिनोट करेंगे। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर और देयर इज ओनली वन सेट, सो ड्रॉ वन सर्कल, और ये सर्कल किसके लिए होगा, सेट ए के लिए होगा। सो यहाँ पर मैंने राइट किया सेट ए। अब ए डैश फाइंड आउट करने के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यू माइनस ए करते हैं, इसका मतलब यू माइनस ए करेंगे तो ये बीच का पोर्शन जो है जो सेट ए की है उसी को आप माइनस करेंगे, बाकी जो पोर्शन बचेगा वो किसके लिए होगा, यू माइनस ए, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। सो ये किसके लिए हो गया, ए डैश के लिए हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आप चेक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल डैश। सो इसके लिए जो आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपको मिल गया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, कॉर्नर पर आपने यू को राइट किया, जैसे आपने यू को राइट किया हुआ है, सो यहाँ पर देर आर टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी को आप ऐसे ड्रॉ कर लें, ये सेट ए हो गया एंड नेक्स्ट सेट बी। सो ए यूनियन बी अगर राइट करेंगे ए यूनियन बी ये टोटल होगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका मतलब यू में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ए यूनियन बी ये टोटल पार्ट होगा ये, और यहाँ पर यू में से माइनस करना है, इसका मतलब है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा आपको ये सेट ए बी को छोड़ के, ये टोटल क्या होगा किसके लिए, ये अपना है ए यूनियन बी होल डैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो यहाँ से आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स को जैसे आपने ड्रॉ किया सो आपको एक किसी एक कॉर्नर पर यू का साइन डिनोट करना है, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट ए एंड बी के लिए कोई एक पोर्शन कॉमन पोर्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। कॉमन पोर्शन का मतलब क्या है, ये ऐसा एरिया है जो ए में भी आता है और बी में भी आएगा, सो ये जो कॉमन पोर्शन होगा इसी को ही यू में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि आप इसको राइट कर सकते हो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वही अपना आंसर होगा। इसका मतलब है ये जो ऐसा पार्ट होगा ये कॉमन पार्ट, इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो बाकी का जो टोटल यहाँ पर बचेगा अपना वो क्या होगा, अपना आंसर है। सो ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो क्या है, वो आंसर है, बस ये पार्ट आपको छोड़ देना है, ये पार्ट अगर आप छोड़ेंगे तो वो क्या शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए माइनस बी होल डैश है। सो यहाँ पर अगर आप राइट करेंगे ए माइनस बी होल डैश, इसका मतलब है यू माइनस ए माइनस बी, इसका मतलब है कि यू का जो डिफरेंस है वो ए माइनस बी के डिफरेंस से करना पड़ेगा। सो यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स से ड्रॉ करना है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे इसके किसी भी कॉर्नर पर आपको यू का साइन डिनोट करना है, एंड यहाँ पर सर्कल जो ड्रॉ करना है वो ए एंड बी का करना है। सो ए एंड बी का जो करेंगे तो यहाँ पर सपोज दैट ये मैंने ड्रॉ किया सर्कल ए के लिए, एंड नेक्स्ट वाला जो है सर्कल ये किसके लिए, सिर्फ बी के लिए है। यहां से a माइनस बी करना है, इसका मतलब b के पार्ट को रिमूव करना है,
तो बी के पार्ट को रिमूव करना है, तो ये बी का पार्ट टोटल यहाँ तक आएगा, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करके रखेंगे। तो जो यहाँ से ए माइनस बी का आंसर होगा वो ये वाला होगा, इसका मतलब है टोटल यू में से किसी पार्ट को छोड़ देना है। आप ध्यान से देखिए इस बात को, ए माइनस बी करते तो जो ए का एलिमेंट बचता वही अपना आंसर होता, इसका मतलब अब जो ए माइनस बी से ए का एलिमेंट बचेगा उसको किससे सेपरेट करना है, यू से, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ से आप देखेंगे क्लियरली कि ए माइनस बी करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा सिर्फ इतना, और इसी को ही माइनस कर देना है, बाकी सबको रिमेनिंग पार्ट को ले लेना है। यस, ये अपना क्या हो गया ए माइनस बी का होल लेस। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे वेन डायग्राम हो या फिर मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरफ। ये तो डायग्राम के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लो। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना है, जैसे सपोज आपको गिवन रहेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और उसमें पर्टिकुलर जो टू और थ्री सेट्स रहेंगे उन सभी के पर्टिकुलर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन रहेंगे। सो वहां से आपसे पूछा जाएगा कि कितने भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है बोथ सेट्स में। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। इसको राइट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला राइट करते हैं, जिस पर अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसको राइट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आपको राइट करना है। सो ये आपको फॉर्मूला है यहाँ पर गिवन है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को राइट करता हूँ जिससे ये क्लियर हो गया फॉर मैटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, सपोज है कोई एक क्लास है, ओके उस क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 100 है, कितने स्टूडेंट्स हैं 100। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 100 है, मैंने राइट किया कि टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, ये आपको गिवन है, ये 100 स्टूडेंट्स हैं। अब यहां से आपको गिवन है कि जो इसमें से कुछ हिंदी पढ़ते हैं और कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, ओके सो यहां से आपको मिल गया कि ऐसे जो है वो 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो वहां से आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोल लेते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से सुने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास इज 100 एंड हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं एन एस, इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू स्पीक हिंदी, ये आपको मिल गए हैं 60, कितने मिल गए हैं 60। एंड यहाँ पर जो इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो आपको मिल गए हैं यहाँ से, ये भी 60 है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे हिंदी बोलने वाले 60 हैं इंग्लिश बोलने वाले 60 हैं, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100 है। तो इसका मतलब है जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही 100 है और यहाँ पर पर्टिकुलर अगर ऐड कर रहे हैं तो ये 120 आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं। सो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन ऐड करते हैं, नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स का जो यूनियन होगा वो कितना आपको गिवन है 100, ओके तो यहाँ पर एच यूनियन ई, एच मतलब हिंदी और ई का मतलब क्या है इंग्लिश, ये हो जाएगा नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स एंड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स इंग्लिश एंड माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इसका मतलब क्या है इंटरसेक्शन। सो जो बोथ आपको फाइंड आउट करना है हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले वही तो आपको आंसर में फाइंड आउट करना है।
आपको ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं जितने भी गिवन डेटा होते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, ये टोटल है। सो यूनियन में आपको कितना रखना है? 100 इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स हिंदी 60 एंड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स इंग्लिश 60 माइनस। ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है कि कितने स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। सो यहां पर आपको मिल जाएगा ये टोटल कितना है? 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। इसको इस साइड लाएंगे तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो इक्वल्स टू हो जाएगा 120 माइनस 100। सो यहां से आंसर कितना मिल जाएगा? 20। इसका मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल राइट कर लेते हैं जिससे अपना ये टोटल मैटर क्लियर हो जाए। सो यहां से मैं राइट कर रहा हूं, सपोज दैट कोई एक क्लास है, कोई एक क्लास है, इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में जाने के बाद ये टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, क्या है? जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर मैं राइट कर रहा हूं एम ए, यहां से हम लोग राइट कर रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स की जो नंबरिंग है वो 80 कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 80। ओके, अब यहां पर है कि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल टी पसंद करते हैं कैंटीन में। सो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टी इन कैंटीन एंड दैट्स नंबर ए 40। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टी एंड कॉफी, इसका मतलब यहां पर क्या है? इंटरसेक्शन टी एंड कॉफी, मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने राइट किया यहां पर टोटल ये 20। ओके, ये 20 हो गए। अब आपको राइट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल और केवल कॉफी को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? कॉफी। ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ये है कि किसी क्लास के टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं वो कैंटीन जाते हैं, और वो जाने के बाद उसमें से 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल टी को पसंद करते हैं, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी एंड कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। फिर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए जो ओनली कॉफी पसंद करते हैं, टी को नहीं पसंद करते? सो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसी मेथड को यूज करेंगे। सो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स टी एंड कॉफी के लिए, इसका मतलब टी यूनियन सी, टी फॉर टी एंड सी फॉर कॉफी, ये इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ टी एंड प्लस नंबर ऑफ सी एंड माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। सो आप यहां से चेक करेंगे टी यूनियन सी का मतलब है टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 80 हैं। सो मैंने यहां पर राइट किया 80, ये इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टी वो कितने हैं? 40 हैं, एंड प्लस नंबर ऑफ सी, यही आपको फाइंड आउट करना है, माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। सो ये आपको कितना गिवन है? 20 गिवन है। सो आप यहां से चेक कर सकते हैं ये टोटल यहां से आकर माइनस करने के लिए आ जाएगा 20, और इस साइड यहां से जाएंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। सो आप यहां से चेक कीजिए कि ये यहां से 20 वैल्यू है तो नंबर ऑफ सी को राइट करना है। सो ठीक, यहां पर चेक करते हैं 80 और यहां से 40 माइनस 20 करेंगे 20 आएगा, इस साइड आएगा ये भी क्या होगा? माइनस 20। ये इक्वल्स टू यहां पर नंबर ऑफ क्या जाएगा? सी। इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट जो ओनली कॉफी को पसंद करते हैं वो कितने हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।